मैं सबसे पहले आज के इस यौम जम्हूरिया के मौके पर तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की तारीख में दो बहुत बड़े दिन हैं और ये दो दिन बहुत अहमियत के कायल हैं। हम एक 15 अगस्त, दूसरा हमारा 26 जनवरी। करगिल के आवाम के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है और हमारे इस आईन के तहत जो हमें हुकूक मिलता था हमें उन सब से महरूम किया जा रहा है। ये आईन हमें बताता है, हम इस आईन का एहतराम करते हैं। ये आईन हमें बताता है कि हिंदुस्तान में रहने वालों को, हर एक को बराबर का हुकूक मिलना चाहिए, किसी को किसी के ऊपर तरजीह देने का कोई हक नहीं है। हम इस आईन के तहत, इस आईन के दायरे में रहकर हम अपने मौजूदा हुकूमत से और यूटी लद्दाख से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हम बस इस आईन के तहत रहकर और इस तिरंगे के नीचे रहकर हम अपना हुकूक मांग रहे हैं। हम कोई आपसे कोई ज्यादा हक नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें दे दो सब कुछ। हमारा कहना यह है कि हमको बराबर का हुकूक दिया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपने तो हमें वादा किया था कि आप बराबर करगिल और लेह को बराबर तरीके से आप ड्यूटी देंगे, करगिल में भी रहेंगे, लेह में भी रहेंगे। तो फिर आप करगिल में जब आते हैं, सुबह आते शाम को वापस चले जाते हैं। हमारे साथ ये वादा हुआ था, जब डिविजनल स्टेटस दिया गया उस वक्त जो हमसे ये वादा हुआ था कि करगिल और लेह में हम बराबर इक्वल शेयर पर हम डायरेक्टर्स भी तकसीम करेंगे और डायरेक्टर्स के नाम भी लाया, उनका जो है ड्यूटी भी मुअय्यन किया गया। इसके बावजूद भी फिर हमारे करगिल के आवाम एक कागज के लिए फिर लेह दौड़ना पड़ता। अपने फैसले पर हमने ये इकदाम उठाया, ये कदम उठाया कि आज के इस दिन के मौके पर हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं, हम अपने ही लेवल पर यौम जम्हूरिया मनाएंगे, हिंदुस्तान का ये तिरंगा लहराएंगे। हम इस आइन के तहत रहेंगे, इस आइन का एहतराम करेंगे, इस आइन के तहत रहकर हम अपना हुकूक हासिल करेंगे। आजाद हिंदुस्तान, जोर से आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, इंकलाब, इंकलाब। शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. قابل صد احترام جناب حجة الإسلام المسلمين آقا شيخ ناظر المهدي محمدی صاحب सदर अंजुमन जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल।